How are you? Welcome to this video. और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी. आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SSC CPO 2019 का इंग्लिश का पेपर, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था. ये वीडियो का Part-2 है. Part-1 देखने के लिए यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं. मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें हम SSC CPO 2019 के इंग्लिश के पेपर ही डिस्कस करेंगे. सिर्फ क्वेश्चन को इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अमन त्रिवेदी, और मेरे बारे में जानने के लिए आप इस स्लाइड को देख सकते हैं. अगर आप डेली असाइनमेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो amantrivedi.com इस वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको 100% फ्री आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे. ठीक है, amantrivedi.com ये मेरा वेबसाइट है जहां पर मैं डेली असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कराता हूं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप बात करिए, हमने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमने जो पेपर डिस्कस किया था वो था 9th दिसंबर Shift-1 का, जैसा कि आप लोग टाइटल में भी देख पा रहे होंगे. आज उसी पेपर के आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी प्लस. अगर आप अनअकैडमी प्लस पर इन सभी टीचर से पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा रेफरल कोड नोट करना है, जो कि है AMANT. अगर आप इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5400 रुपीज में और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4320 रुपीज में मिलेगा. उसके बाद आपको सारे टीचर्स के कोर्सेज, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज, वीडियोज एंड PDF सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. अगर आप इस सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8299117042 व्हाट्सएप नंबर पे. चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास को जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस. कल मैंने आप सभी के साथ में 30 तक के क्वेश्चंस डिस्कशन कर लिए थे, तो ये जो आपको स्लाइड दिख रही हैं ये आप पढ़ सकते हो. कल के पेपर में हमने इनका डिस्कशन कर लिया है, तो उसी के आगे हम डिस्कस करते हैं आपके. कल हमने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर आपका 20 तक, हमने क्वेश्चन नंबर आपका डिस्कस कर लिया था, राइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 पे आते हैं. आज हम 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. तो क्वेश्चन कह रहा है द अथॉरिटीज आर लुक्ड ऑन द मैटर. क्वेश्चन क्या कहता है, द अथॉरिटीज आर लुक्ड ऑन द मैटर. तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है. आप सभी लोग साथ साथ में अटेम्प्ट करते रहिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है, तो लाइक कर देना बेटा. और इस वीडियो को आप लोग एक दो लोगों के साथ शेयर करना चाहो तो कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में आप अटेंडेड लिख दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो, आपने ये वीडियो को देखा है तो. ठीक है, कमेंट सेक्शन में अटेंडेड लिखना मत भूलिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा. चलो क्वेश्चन पर आते हैं. कहता है द अथॉरिटीज आर लुक्ड ऑन द मैटर. तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है आपका, लुक्ड ऑन द मैटर नहीं होगा. नो सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता क्योंकि गलत है आपका. लुक्ड ऑन द मैटर होगा नहीं, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो कि अथॉरिटीज मैटर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. यानी कि सेंटेंस हमारा किस में बनेगा, आपका सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. और अगर बात करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो आपको क्वेश्चन देखेगी यहां लिखा था लुक्ड इन टू, यहां कह रहा है लुकिंग और यहां कह रहा है लुकिंग. तो सिंपल सी बात है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, तो यहां पर आपका लुक्ड गलत है. ठीक है, फिर आपने कहा लुकिंग इनटू द मैटर, यहां कह रहा है लुकिंग ऑन द मैटर. तो इनटू द मैटर लिखा है या इनटू द मैटर लिखा है या ऑन द मैटर लिखा है. तो जो फ्रेजल वर्ब पूरा होता है वो होता है आपका लुकिंग इनटू होता है, तो ऑन भी गलत हो गया. बचा क्या ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, जो कि है द अथॉरिटीज आर लुकिंग इनटू द मैटर विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया. अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपका. अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. यानी कि इसमें आपको जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है. क्वेश्चन कह रहा है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन. टॉम्बस्टोन मतलब होता है कि कब्रगाह पर, इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड. उसको हम क्या कहते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं. ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, अटेम्प्ट करिए जल्दी से, एंड देन वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन. आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा प्रोलॉग दिया है, एपिलॉग दिया है, स्टेला दिया है और एपिटाफ दिया है. तो अगर हम सबसे नीचे से बात करें तो सबसे पहला हमें मिलता है एपिटाफ. इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, लेट्स डिस्कस द स्टेला फर्स्ट. व्हाट इज स्टेला, स्टेला क्या होता है. स्टेला आपका जब नाउन होता है तो इसका मतलब आपका हो जाता है स्टेला. स्टेला का मतलब आपका हो जाता है कि जो कब्र पे एक तरीके से, जो आपने देखा हो, जैसे ये मान लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, जैसे मान लीजिए ये कब्र है, तो यहां पर साइड में ना एक स्टोन होता है, तो जो स्टोन होता है दैट इज कॉल्ड स्टेला. गॉट इट,
ठीक. फिर आता है प्रोलॉग. प्रोलॉग मतलब प्रो मतलब शुरुआत से हो गया, एपी लॉग मतलब कुछ कहना और एपी मतलब एंड में. तो प्रोलॉग जो होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन, एपीलॉग जो होता है वो होता है आपका कंक्लूजन. किताब की शुरुआत में जो उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसे हम प्रोलॉग कहते हैं, किताब के एंड में जो कंक्लूजन दिया जाता है उसे हम एपीलॉग कहते हैं. स्टेला मैंने आपको बता दिया, बचता है आपका एक ऑप्शन दैट इज एपिटाफ. एपिटाफ ही सही शब्द है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका. अगर आपने एमबी पब्लिकेशन या फिर कहीं से भी अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद किए होंगे तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. एपिटाफ इज द करेक्ट वर्ड जो कि यूज होता है आपका यहाँ पर इस टर्म्स इस सेंस में. तो आंसर हो जाएगा वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड. आंसर विल बी एपिटाफ जो है आपका सही जवाब हो जाएगा. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करनी है इस क्वेश्चन की. कहता है वी वॉच्ड द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन. हमने वी वॉच्ड द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन, यानी कि किचन के आपको इसमें एरर ग्रामेटिकल एरर बतानी है. तो आंसर इस क्वेश्चन का, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, एक सेकेंड दो सेकेंड आप अगर वीडियो को रोकना चाहते हैं तो रोक कर अटेम्प्ट करिए, लेकिन अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को. कहता है वी वॉच्ड द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन. कहना चाह रहा है कि हमने वर्कमैन यानी कि कारीगरों को किचन के टाइल्स को रिपेयर करते हुए देखा. अब ध्यान से समझिए मेरी बात, क्या कह रहा है करते हुए. ठीक है, करते हुए देखा है और यहां पर आप क्या लिख रहे हो, टू रिपेयर. अब देखो यहां पर आपका थोड़ा सा नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उनका रोल आता है. टू प्लस वर्ब फर्स्ट जो होती है बेटा ये होता है हमारा इन्फिनिटिव. दूसरा आपका एक और होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसे हम कहते हैं बेटा जीरंड. और आपका जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में आपके तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो अगर हम बात करें जरा प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो क्या होता है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका होता है वो भी उसे जीरंड ही, वो भी आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होता है. ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कब आपका जीरंड है और कब आपका वो पार्टिसिपल है. तो बात को ध्यान से समझिएगा, जो आपका इन्फिनिटिव और जीरंड होते हैं इनका मतलब होता है ऐसा करना या फिर वैसा करना. जो आपके इन्फिनिटिव और जीरंड होते हैं इनका मतलब होता है ऐसा करना या वैसा करना, इस सेंस में आपके ये इन्फिनिटिव और जीरंड का इस्तेमाल होता है. लेकिन जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये भी आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए. करेक्ट. तो यहां पर आपका जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है कि आपने यू वॉच द वर्कमैन वाइल दे वर रिपेयरिंग द किचन. करेक्ट. सो प्रेजेंट, जो लोग अंग्रेजी वाले हैं वो भी समझ लें, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके कोई कंटिन्यूअस एक्शन को बताता है, टेल्स अबाउट सम ऑन गोइंग एक्शन. वाइल द इन्फिनिटिव एंड जीरंड टेल्स दैट इट शुड बी डन लाइक दिस. ठीक है, टू डू दिस, दे टेल अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो ये ऐसा करना या वैसा करना बताते हैं, ये ऐसा करते हुए सेंस बताते हैं. इसलिए यहां पर वो कह रहा है कि हमने वर्कमैन को टाइल्स को रिपेयर करते हुए देखा, यानी कि दे सॉ सम ऑनगोइंग एक्शन. ऑनगोइंग एक्शन के लिए टू रिपेयर नहीं आता है, क्या आता है बेटा, रिपेयरिंग. ठीक है, अब देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस एरर को पकड़ लिया होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे मतलब बहुत कम लोगों को लॉजिक सही पता होगा. कई लोग तो सोच रहे होंगे जीरंड आएगा, वी वॉज द वर्कमैन रिपेयरिंग द टाइल्स फॉर द ऑफ द किचन. रिपेयरिंग यहां पर जीरंड नहीं, यहां पर पार्टिसिपल के सेंस में आ रहा है जो आपके किसी ऑनगोइंग एक्शन को बता रहा है. बात समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा हम इसमें डीप गए, आई थिंक थोड़ा समझ में आया होगा. जिन लोगों को ग्रामर की थोड़ी सी अच्छी पकड़ होगी वो लोग समझ पाए होंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, इसमें भी आपको एरर बतानी है. क्वेश्चन कह रहा है अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑर्लीन्स लास्ट सैटरडे. इस क्वेश्चन में एरर बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे. देखिए, लेकिन अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूं तो इस बार का जो ये सीपीओ का पेपर है मुझे कुछ बेहतर लग रहा है पहले के आपके पेपर से. जैसे जो लास्ट ईयर पेपर बने थे वो काफी ज्यादा मतलब अच्छे नहीं थे, बट ये पेपर उतना खराब नहीं है, ठीक ठीक है, मतलब ठीक ठीक पेपर हो रहा है ये. ठीक है, चलिए आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा आपका लास्ट सेक्शन ऑफ अ होटल कंस्ट्रक्शन कोलैप्स. देखिए आप एक बात को समझिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका जो सेंटेंस में कहीं पर भी आपको लास्ट सैटरडे, लास्ट नाइट,
प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, अगो, यस्टरडे, या फिर किसी भी एडवर्ब ऑफ पास्ट का जिक्र होता है तो वो सेंटेंस हमेशा बेटा किसमें एक्सप्रेस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑर्लीन्स लास्ट सैटरडे, तो आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स की जगह आ जाएगा कोलैप्स्ड, इट विल बी कोलैप्स्ड, क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर लास्ट सैटरडे आया है, तो जो एरर आएगी वो आएगी सेकेंड पार्ट में, पार्ट टू में इसमें एरर आपको मिलेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया किसी को, सभी को क्वेश्चन नंबर 24? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहता है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको सही इस शब्द का सही सिनोनिम बताना है क्या होगा। शब्द है आपका ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? देखो ट्रैंक्विल को याद करने के लिए मैं सबसे सही आपको एक टर्म बताता हूं, आपका जो एक टर्म होता है जो इस्तेमाल होता है दैट इज ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है, एक होता है ट्रैंक्विलाइजर। अब ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर ऐसे समझ लीजिए, ट्रैंक्विलाइजर जो होता है आपका एक तरीके का ड्रग होता है, ट्रैंक्विलाइजर जो होता है वो एक तरीके का ड्रग होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू रिड्यूस एंजाइटी, अब देखिए कई बार अक्सर आपने सुना होगा कि कोई हाथी या कोई जानवर जो है अचानक से पागल हो जाता है, तब क्या करते हैं जो वाइल्ड लाइफ वाले होते हैं उसे ट्रैंक्विलाइजर से हिट करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर जब उसको मारते हैं तो वो शांत हो जाता है, एक तरीके से सिडेटिव का काम करता है, तो उसे हम कहते हैं, वहां से वर्ब बनती है आपकी ट्रैंक्विलाइज करना, ठीक है, ट्रैंक्विलाइज करना मतलब हो जाता है किसी को शांत करना, टू काम डाउन एन एनिमल, ठीक है, तो उसी से एक आपका नाउन बनता है दैट इज ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब हो जाता है आपका, ट्रैंक्विलिटी का मतलब हो गया दिमाग की शांति, द स्टेट ऑफ बीइंग क्वाइट एंड पीसफुल, ठीक है, तो शांति सेंस में आ जाता है ट्रैंक्विलिटी। अब वहीं से टर्म, ये टर्म शुरू किससे हुआ था? शुरू हुआ था ट्रैंक्विल से, तो ट्रैंक्विल का मतलब हो जाता है आपका, ट्रैंक्विल इज अ एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सीरीन, मतलब क्या हुआ? शांति, ठीक है, कामनेस, क्वाइट, पीसफुल के लिए सेंस आता है, तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? आपका सिनोनिम पूछ रहा है तो आपसे आंसर बन जाएगा काम, एजिटेटेड मतलब उग्र, थोड़ा सा भड़के हुए, नर्वस मतलब आप थोड़ा सा एंजाइटी है, और वाइल्ड मतलब पागल हो जाना, तो इसीलिए देखो इन्होंने वाइल्ड दिया है क्योंकि यहां पर मैंने आपको रिलेट कराया कहां कहां से वर्ड यूज होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सिनोनिम क्या है, काम है, क्यों है, आई थिंक समझ में सभी को आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कहता है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपसे अपलॉड का एंटोनिम पूछ रहा है, अपलॉड का एंटोनिम पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अपलॉड, तो अपलॉड का एंटोनिम सभी को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस देखते हैं, थोड़े से ऑप्शन इन्होंने अच्छे दिए हुए हैं। पहला है आपका डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या हो जाता है? डिनाउंस का मतलब हो जाता है क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस का मतलब हो जाता है क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, तो उसे कहेंगे डिनाउंस करना। मैग्नीफाई करना मतलब किसी चीज पर आप किसी चीज पर जोर डाल लो, एक तरीके से मैग्नीफाई कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, उसको कहेंगे। कमेंड मतलब हो जाता है, कमेंड मतलब होता है प्रशंसा के काबिल, जैसे यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, आपने कमेंडेबल जॉब करी है, यानी कि आपने बहुत अच्छी जॉब करी है, तो कमेंड का मतलब हो गया एक तरीके से जिसकी आप तारीफ कर सको पब्लिकली, आप उसे प्रेज कर सको, करेक्ट है। और अप्रूव मतलब आपने सहमति देना, तो आपने अपलॉड का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, तो सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, अब एंटोनिम पूछ रहा है तो कमेंड इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए, ध्यान नहीं दिया, तो एंटोनिम की जगह आप सिनोनिम मार्क करके आ सकते हो, लेकिन अपलॉड मतलब तारीफ करना, तो एंटोनिम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? डिनाउंस करना, दैट इज टू क्रिटिसाइज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एंड व्हाई इज इट डिनाउंस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका 27। तो 27 कहता है आपका द ट्री वॉज अपरूटेड बाय द स्टॉर्म लास्ट इवनिंग, इजंट इट, कह रहा है द ट्री वॉज अपरूटेड बाय द स्टॉर्म लास्ट इवनिंग, इजंट इट, ये क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन टैग का. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का सवाल है. आप इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बनेगा. क्वेश्चन टैग आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर इन दिस एरिया. क्या है आपका, तो कह रहा है क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, कह रहा है द ट्री वॉज अपरूटेड बाई द स्टॉर्म लास्ट इवनिंग. ठीक है, अब देखो यहां पर इन्होंने वॉज अपरूटेड लिखा है, लास्ट इवनिंग लिखा है. आपको क्वेश्चन टैग देखना है कौन सा होगा. क्वेश्चन टैग से एक सवाल अक्सर आता है. अब देखो बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, मतलब आप इससे कंफ्यूज कई बार होते हो, बट देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज. ऑप्शंस देखिए, हर जगह इट लगा है तो प्रोनाउंस में हमें कोई टेंशन नहीं है. यहां की हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लगा है वॉज, यहां की हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लगा है इजंट. आप हमेशा एक बात याद रखो कि क्वेश्चन टैग में अगर इधर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. करेक्ट है, यहां क्या लिखा है वॉज, तो यहां क्या हो जाएगा आपका wasn't it, isn't it नहीं बनेगा, isn't it नहीं बनेगा, it will be wasn't it. ठीक है, तो was it नहीं होगा क्योंकि ये already positive है, तो you need negative here. ठीक है, no substitution होगा नहीं, ये was है तो यहाँ did नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है. आंसर हो जाएगा wasn't it will be the correct answer, आंसर हो जाएगा second. ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है आपका, राहुल थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट द चीप रेस्टोरेंट. राहुल थिंक्स दिस इज क्वाइट द चीप रेस्टोरेंट. आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा. कह रहा है सो अ चीप, सो द चीप, नो सब्स्टिट्यूशन या फिर क्वाइट अ चीप. अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को एंड देन वी विल सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आंसर इस क्वेश्चन का होगा सो अ चीप नहीं होगा, सो द चीप नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इट विल बी क्वाइट अ चीप रेस्टोरेंट आप इसमें कहोगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. हमने कोई और अधिक इंफॉर्मेशन रेस्टोरेंट के बारे में सेंटेंस में वाक्य में नहीं दी है. द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कहीं पर, तब हम द का इस्तेमाल करते हैं. इस सेंटेंस में आपने पहली बार उस रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हो तो द नहीं आएगा, क्या आएगा, अ चीप रेस्टोरेंट. इज इट क्लियर टू एवरीवन. चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं. आपसे यहां पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, कौन सी स्पेलिंग यहां पर रॉन्ग है, बताइए यहां पर कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है. आपके चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक है पडल, फिर है पिजन, आपका पिलियन और पायनियर. बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए हम फोर्थ ऑप्शन से देखते हैं. पायनियर की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है. पायनियर का मतलब होता है द वन हु स्टार, जैसे अनअकैडमी इज द पायनियर इन ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि अनअकैडमी वॉज द वन जिसने सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन को शुरुआत किया था. तो पायनियर का मतलब होता है जो सबसे पहले किसी चीज को शुरुआत करता है, द वन हु स्टार्ट समथिंग, समथिंग न्यू. ठीक, पिलियन होता है जैसे अक्सर आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट टू वियर द हेलमेट टू द पिलियन राइडर. पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना चाहिए. तो पिलियन का मतलब हो जाता है द वन हु इज सिटिंग बिहाइंड, जो पीछे बैठा हुआ है उसको हम कहते हैं पिलियन. ठीक है, तो पिलियन मतलब होता है पैसेंजर, जो आपका ड्राइवर, जैसे मोटरसाइकिल होती है आपकी, तो मोटरसाइकिल में जो पीछे की, एक तो आपका ड्राइवर होता है जो पीछे की सीट पे जो बैठता है, दैट इज कॉल्ड पिलियन राइडर. ठीक है, अगला है पिजन. पिजन मतलब आपको पता है आपका कबूतर होता है, और जो बचा वर्ड है हमारा वो है आपका पडल. पडल का मतलब क्या होता है, पडल की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये जो ई है यहाँ नहीं होता, ये यहाँ होता है आपका, और इसका मतलब हो जाता है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड स्पेशली ऑफ रेन दैट हैज कलेक्टेड इन वन प्लेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि आपके ग्राउंड में कहीं पर एक थोड़ा सा जो पानी इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड आपका पडल. ठीक है, बारिश का जो पानी है वो अगर एक जगह इकट्ठा हुआ है थोड़ा सा पानी, उसे हम कहते हैं पडल आपका. ठीक है, तो a small amount of water that has collected on one place. Especially of आपका बारिश का पानी. ठीक है, that is called आपका puddle. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 आपका कहता है, एंटोनिम आपका बताना है इस क्वेश्चन का. कह रहा है एनरेज्ड का एंटोनिम क्या होगा. तो enraged का मतलब हो जाता है आप बहुत गुस्सा हो किसी से. enraged का मतलब क्या हुआ, to be very angry with someone. correct, तो आपसे यहां पर enraged का antonym पूछ रहा है, याद रखिए antonym पूछ रहा है. तो आपके चार ऑप्शन हैं. pleased का मतलब होता है आपका to be very happy, किसी से satisfy होना, to be satisfied by someone. जैसे आप
यू आर प्लीज्ड विद माई वीडियो, आप खुश हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हो तो लाइक कर देना वीडियो. लिविड का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि लिविड, तो लिविड मतलब हो जाता है आपका, लिविड का मतलब हो जाता है एक तरीके से टू बी वेरी लाइवली काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है. नहीं, लिविड का मतलब आपका क्या हो जाता है, लिविड आपका नहीं, लिविड लिविड का मतलब आपका होता है टू बी फ्यूरियस, ठीक है, बहुत गुस्से में होना, एक्सट्रीमली एंगर, एक्सट्रीमली एंग्री, उसे कहते हैं लिविड, ठीक. एग्रवेट का मतलब होता है किसी स्थिति को बद से बदतर करना, टू मेक अ सिचुएशन वर्स. ठीक, और अगला है आपका इन्फ्यूरिएटेड. इन्फ्यूरिएटेड का मतलब हो जाता है आपका, वो भी गुस्से में ही होना, तो इन्फ्यूरिएटेड भी है आपका सिनोनिम हो जाएगा, ये भी सिनोनिम हो जाएगा, ये भी आपका सिनोनिम हो जाएगा. प्लीज्ड आपका यहां पर एंटोनिम में आ जाएगा, क्योंकि एनरेज्ड का मतलब भी होता है गुस्से में होना, जैसे कि द पब्लिक इज एनरेज्ड विद द करंट ongoing things in government. ठीक है, तो enraged मतलब गुस्से में होना, pleased मतलब satisfied होना, livid मतलब furious होना, extremely angry होना, aggravate मतलब situation को बद से बदतर बनाना, infuriated मतलब गुस्सा होना. देखो ये पेपर अगर आप सॉल्व करो तो इसका फायदा तभी जब आप सारी चीजों को सीखते जाओ, याद करते जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ इससे रिलेटेड आया तो बाद में रिग्रेट करने को नहीं हो कि हाँ यार तब पढ़ लेते तो अच्छा रहता. अब आपसे इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, क्वेश्चन है आपका, स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो पेपर जो मुझे अभी तक, मैं जितना कहूंगा, मैं अपना ओपिनियन दूं, पहली बार मैं पेपर देख रहा हूं, तो पेपर मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा पेपर है, यानी कि जैसे पहले के पेपर जो सीजीएल के थे वो काफ़ी ख़राब पेपर थे, मतलब आधे से ज़्यादा आंसर्स तो जो थे वो आपके ऑब्वियस आंसर होते थे, ठीक है, तो वैसा नहीं है, बट दिस इज़ गुड, ठीक है, अच्छा पेपर है. तो इस क्वेश्चन को याद कर लो, स्मॉल बिल्डिंग और रूम जो है वो क्रिश्चियन जहाँ पे वर्शिप करते हैं, स्कूल या प्रिजन या हॉस्पिटल वगैरह में, उसे हम कहते हैं चैपल, ठीक है, चैपल इज़ द करेक्ट आंसर. कॉन्ग्रीगेशन जो होता है रिलीजियस गैदरिंग, मतलब आपका रिलीजियस किसी, जैसे चर्च में लोग जो गैदर होते हैं उसे कहते हैं रिलीजियस गैदरिंग जो है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है. कैथेड्रल क्या होता है, द कैथेड्रल इज द मेन चर्च ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, जो आपका मुख्य चर्च होता है, मेन चर्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है, उसे कहते हैं. और चर्च आपको पता है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आप सभी को पता होना चाहिए, चैपल इज दिस, आप लोगों ने पढ़ लिया, याद कर लेना इन सारों के मीनिंग. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, ये है, इसमें आपको ग्रामेटिकली एरर फाइंड करनी है. क्वेश्चन कहता है, अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच इन ममल्लापुरम, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज सीन पिकिंग अप प्लास्टिक लिटर बॉटल्स एंड अदर आइटम्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आंसर बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा. अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच इन मल्लापुरम, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज सीन पिकिंग अप प्लास्टिक लिटर बॉटल्स एंड अदर आइटम्स. जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ. अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच इन ममल्लापुरम, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज सीन पिकिंग अप प्लास्टिक लिटर बॉटल्स एंड अदर आइटम्स. बताइए, व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन. तो अंदर आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपको क्वेश्चन है बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, कि अभी हाल फिलहाल की ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, तो मतलब बहुत ही आप सभी को पता है अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली हुआ था ये, ठीक है, तो रिसेंटली आपका जब ये हुआ तो इसका मतलब ये न्यूज़पेपर से लिया गया है. इसका मतलब जब आपसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो याद रहेंगी चीज़ें, नहीं, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते हो तो आप इन सब चीज़ों को, मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट्स को डेली देखते रहते हो, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनती, मतलब ये आपको चीज़ें पढ़ी पढ़ी लगेंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये नोन है. और इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा जो असाइनमेंट आता है aman.sscmentor वेबसाइट है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे फ्री है, उसमें कोई पैसे नहीं लगने, www.amantrivedi.com, उस वेबसाइट पर मैं जो डेली असाइनमेंट देता हूँ उसको सॉल्व करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेली अखबार से ही आपके बनते हैं, ठीक है. चलिए आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, एरर होगा इसमें सेकेंड पार्ट में, अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक नहीं होगा, इट विल बी ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक होगा, यानी कि मॉर्निंग वॉक के दौरान आया था, अक्रॉस नहीं, अक्रॉस मतलब होता है अक्रॉस द सी या अक्रॉस द बीच, या बीच के किनारे किनारे चल रहे होते तब वो बात होती है, या आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, किनारे किनारे चला था, उस सेंस में आता है. लेकिन यहाँ पे सेंस आ रहा है कि उन्होंने के दौरान की भी किया है ममल्लापुरम में, तो आपका हो जाएगा ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक प्राइम मिनिस्टर मोदी पिक्ड अदर आइटम्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, इसमें आपका इस क्वेश्चन से एंटोनिम पूछ रहा है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस क्वेश्चन,
कह रहा है इनफाइनाइट का एंटोनिम क्या होगा. बहुत आसान क्वेश्चन है इनफाइनाइट, आप सभी को पता है, जो कि एंडलेस है, बाउंडलेस है. तो बाउंडलेस इन्होंने पहले ही दे दिया क्योंकि ये सिनोनिम है. इटर्नल भी आपका उसी सेंस में आ जाएगा, व्यापक कुछ सेंस में आएगा, जैसे कि वी शुड लुक एट द इटर्नल ब्यूटी, या इटर्नल आप सभी को पता है इसी सेंस में आता है कि मतलब कुछ इटर्नल है. ठीक है, तो आपका इटर्नल आपको पता है. ठीक, तो इटर्नल मतलब भी यही हो जाता है, इसी के सिनोनिम में हो जाएगा, मतलब जिसका कुछ एंड नहीं है. वास्ट भी उसी सेंस में आ जाता है, तो ये भी सिनोनिम में हो जाएगा. आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा लिमिटेड, क्योंकि दैट इज द ओनली वर्ड विच इज एन एंटोनिम हियर. ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिटेड. अगले क्वेश्चन पर आते हैं आपका. यहां पर इन्होंने फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा है आपका अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, वर्तमान जो इसमें जो पदस्थ है उससे पहले जो कौन होल्ड करता था. तो ये भी अखबार में अक्सर आता रहता है, क्या हो कहते हैं उसे. क्वेश्चन है सक्सेसर, एंसेस्टर, डिसेंडेंट, प्रीडेसर. ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको इनमें से आंसर बताना है क्या होगा. सक्सेसर, एंसेस्टर, डिसेंडेंट एंड प्रीडेसर. तो आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा आपका, सक्सेसर मतलब होता है जो आफ्टर द करंट, जो बाद में आता है. जैसे कि मोदी जी इज द सक्सेसर ऑफ मनमोहन सिंह, एंड मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज प्रीडेसर ऑफ मोदी, यानी कि वो उनसे पहले थे. और सक्सेसर मतलब जो बाद में होता है. ठीक है, तो आंसर यहां क्या हो जाएगा, प्रीडेसर. डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज. ठीक है, तो डिसेंडेंट होता है वंशज, और एंसेस्टर मतलब हो जाता है पूर्वज. ठीक है, तो आप सभी को चारों के मतलब पता चल गए. अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35. कह रहा है आपको इसमें से अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है एडियम का. एंड व्हाट इज द एडियम हियर, एडियम है यहां पर इन स्पाइट ऑफ द हर सीवियर एक्सीडेंट शी टुक हर्ट. क्वेश्चन है आपका टुक हर्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड. आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा. तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट सेंटेंस के साथ में इन्होंने एरर अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है एडियम का. आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो. कह रहा है इन स्पाइट ऑफ हर सीवियर एक्सीडेंट शी टुक हर हर्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड. कह रहा है गैदर्ड करेज, ओवरकेम प्रॉब्लम्स, फेल्ट डिप्रेस्ड एंड एक्टेड प्रॉम्प्टली बहुत तेजी से काम किया. तो ये होगा नहीं, क्योंकि कह रहा है उसका सीवियर एक्सीडेंट होने के बावजूद उसने टुक हर्ट एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ी. तो एक्टेड प्रॉम्प्टली नहीं होगा, डिप्रेस्ड नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बावजूद की बात करें तो पॉजिटिव बात कर रहे होंगे. ओवरकेम प्रॉब्लम्स और गैदर्ड करेज, सही मतलब होता है गैदर्ड करेज, यानी कि उसने साहस इकट्ठा किया, साहस किया और आगे बढ़ी. तो आंसर यहाँ होता है गैदर्ड करेज. क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है. क्वेश्चन है, आप ऑप्शन है रिडिकुलस, मिस्चीवियस, ह्यूमरस और मिस्टीरियस. तो रिडिकुलस मतलब होता है जैसे कुछ हास्यास्पद है, कुछ बहुत ही ज्यादा खराब है, जैसे कि यू ही जस्ट पास ने रिडिकुलस स्टेटमेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद के लिए आ जाता है. ठीक है, सही टर्म यहाँ पर क्या, जो स्पेलिंग गड़बड़ है जो वो है, वो यहाँ पे मिस्चीवियस की, यहाँ आई के बीच में आएगा ई, MISCIEVIOUS. मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती. आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि सर स्पेलिंग करेक्शन के लिए क्या करें. बेटा देखो, स्पेलिंग करेक्शन के लिए आप ऐसा नहीं कुछ कर सकते कि मतलब स्पेलिंग्स के रूल याद करने लग गए. आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ है याद करने को, मैथ्स है, इंग्लिश है, तमाम चीजें याद करने को, तो क्या आप स्पेलिंग के रूल्स नहीं याद कर सकते हो. बेहतर है कि जब आप पढ़ाई करो, पढ़ो तो आप ध्यान से करो, फेसबुक स्क्रॉल करो, कोरा यूज करो, या कभी मैसेज करो तो हमेशा टाइप करते वक्त आप पूरे वर्ड्स टाइप करिए, कभी भी आधी अधूरी स्पेलिंग मत लिखिए. गूगल सजेशंस का फायदा लीजिए, लेकिन उनको स्पेलिंग्स को थोड़ा ध्यान देते रहो, बस थोड़ा अवेयर होके देखोगे ना, हो जाएगा. ह्यूमरस भी हास्यास्पद होता है, मिस्टीरियस रहस्यमयी, बाकी स्पेलिंग्स यहां पर करेक्ट थी. अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ऑनली वी डैश अ लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क. इफ ऑनली वी डैश अ लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क. कह रहा है इफ ऑनली वी डैश अ लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क, यानी कि अगर सिर्फ हमारे पास लाइट हो तो ये बहुत ही डिप्रेसिंग होगा अंधेरे में इंतजार करना. तो कह रहा है वी हैव हैड अ लाइट, आर हैविंग, हैव, आर हैविंग तो देखो होता है कुछ खाने के लिए, जैसे वी आर हैविंग लंच राइट नाउ, तो ये खाने के सेंस में आएगा. इफ ओनली वी हैव अ लाइट इट इज डिप्रेसिंग. तो यहाँ पर आपका वी हैव अ लाइट, हमारे पास लाइट हो, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, हैव गलत होगा. यहाँ पर आप पोजिशन के सेंस में लगा रहे हो, परफेक्ट का सेंस नहीं है, जो हैव हैड लगाओगे तो ये भी गलत होगा. सही हो जाएगा इफ ओनली वी हैड अ लाइट, हमारे पास लाइट होती, इट इज डिप्रेसिंग टू हैड वेट इन द डार्क. ठीक है, आंसर आपका यहाँ हो जाएगा फोर्थ पार्ट. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, जिसको आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो. क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल. ऐसे लोग, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि वॉर और हिंसा बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है. पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी.
ठीक है, एनार्किस्ट होता है जो बहुत ही ज्यादा अराजकता करता है, अराजकता मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ कर रहा है, लॉ में बिलीव नहीं कर रहा है। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। पैसिफिस्ट होता है, देखो पैसिफिस्ट को ऐसे याद रख लो, आपका एक सागर है दैट इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को आप हिंदी में क्या कहते हो, प्रशांत, मतलब हो जाता है प्रशांत महासागर बोलते हैं आप, मतलब हो गया पैसिफिस्ट, मतलब हो गया शांति की बात करने वाला। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पैसिफिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट अ वॉर, दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल। आंसर हो जाएगा यहां पर पैसिफिस्ट, जो शांति की बात करता है उसे कहेंगे पैसिफिस्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। क्वेश्चन इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। कह रहा है प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल टर्म इन विच समवन पिकिंग अप ट्रैश वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। तो आपको इसमें आंसर बताना है। ये भी आपका उसी न्यूज से लिया गया है जो टर्म आया था, ये काफी ज्यादा उस समय न्यूज में था। आई थिंक आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा भी होगा, ये आ रहा था कि प्लॉगिंग क्या है, प्लॉगिंग क्या है, प्लॉगिंग इज अ टर्म, क्योंकि प्लॉगिंग मतलब हो गया वो पिक कर रहे थे और जॉगिंग भी कर रहे थे साथ साथ में, और वो उसको पिक, जो गार्बेज था उसको पिक भी कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आपसे पूछ रहा है प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड। प्लॉगिंग क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रेंड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम जब जिसमें से कुछ कोई व्यक्ति जो है पिक करता रह जाता है, पिकिंग अप द ट्रैश वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। तो क्या करता है, पिकिंग अप नहीं होता है। अब देखो इस क्वेश्चन का ध्यान, आंसर ये क्या लिखा, पिकिंग अप, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, पिकिंग अप हमने लिखा है इन विच, हम एक प्रोसेस को बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं जब पढ़ाता हूं, मैं आपको ये भी बताता हूं कि इसका इस्तेमाल ये भी होता है कि किसी प्रोसेस, किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप करते हो, किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए भी। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा, वाइल जॉगिंग एंड ब्रिस्क वॉकिंग, पिकिंग अप ट्रैश, प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड। आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा पिकिंग अप विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें एरर होगा, पिकिंग अप नहीं, ये होना चाहिए पिक्स अप। ठीक है, प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिक्स अप ट्रैश वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि चलते हुए, वॉक करते हुए और फटाफट ट्रैश भी उठाते जाते, दिस इज कॉल्ड प्लॉगिंग। समझ में आ गया, तो प्लॉगिंग का मतलब समझ आया, इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको हम बनाते हैं टू एक्सप्लेन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को बनाने बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है वी हैवेंट बीन टू गंगोत्री ऑलमोस्ट, वी हैवेंट बीन टू गंगोत्री डैश ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, फॉर, फ्रॉम, टू या फिर सिंस। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, वी हैवेंट बीन टू गंगोत्री ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, करेक्ट। 10 ईयर्स बेटा क्या है आपका, 10 ईयर्स आपका क्या है, ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंस लगाते हैं, ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर, फ्रॉम नहीं होगा, टू नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हैवेंट बीन आया है, कंटिन्यूअस आपका परफेक्ट टेंस है, तो सिंस भी नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं। आपको इसमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस idiom का, trying to find my lost ring in the college is like looking for a needle in a haystack, यानी कि अगर आप किसी needle को haystack में खोज रहे हो तो आप सोचो कि आपको मिलने की संभावना कितनी है, उतनी ही संभावना आपके कॉलेज में रिंग को खोजने की है। तो मतलब क्या हुआ, doing something impossible, कुछ impossible करने की कोशिश करना जो कि संभव ही नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, trying to find my lost ring in the college is like looking for a needle in a haystack. That is the correct answer. ठीक है, समझ में आ गया, looking for a needle in haystack का meaning क्या होता है, doing something impossible. 42 में आपको wrongly spelled word बताना है, क्या होगा आपको इसका wrongly spelled word यहाँ पर कौन सा है। कह रहा है laboratory, labor, lantern और literature. Literature मतलब साहित्य, spelling सही है। Lantern मतलब आपको पता है लालटेन, ये भी सही है। लेबर मतलब आपको पता है मजदूर, लेबोरेटरी में यहां पर ए होता है, दैट इज द रॉन्ग स्पेलिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी। ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम आपको बताना है। कहता है मिसेस अरोरा हैज गॉट द ग्रीन लाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज अ साइंस कॉन्फ्रेंस इन द कॉलेज।
आपको idiom का appropriate meaning बताना है and I forgot to highlight the idiom. Got the green light. अब simple सी बात ये है, आप मुझे बताओ, अगर आप signal पे खड़े होते हो और आपको green light दिखती है तो आप क्या करते हो? इसका मतलब permission है आगे जाने की. तो answer क्या हुआ? Mr. अरोड़ा जी को principal ने science conference organize करने की क्या कर दी है? Permission दे दी है. तो answer क्या बन जाएगा? Got permission to go ahead with something, कुछ कार्य करने की परमिशन मिलना, अनुमति मिलना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 आपका जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से है, तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है. आप लोग इसको पढ़िए एक बारी, मैं आपको पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा. फिलहाल हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, इस पैराग्राफ के क्वेश्चन को. कह रहा है द एक्साइटमेंट ऑफ द बर्ड वॉचर्स ऑन स्पॉटिंग पर्टिकुलर स्पीसीज फॉर द एवरी फर्स्ट टाइम इज अनपैरेलल्ड. With the eyes shining and pride bursting, they exclaim, "I had a life today. It was a lifer for me for the longest time. I couldn't fathom." तो इसको आप लोग पूरा पढ़िए और मैं एक बारी शो कर देता हूँ. Pause the video and read this paragraph. ठीक है. After that, pause the video and read this paragraph also. Now attempt the question. This is the question. कह रहा है what does the word lifer means? तो lifer का मतलब क्या हो जाता है? Lifer का मतलब इन्होंने आपको इसी passage में बताया है कि lifer का मतलब हो जाता है आपका a word which makes a life changing impact on you. Lifer मतलब क्या हुआ? Lifer का मतलब हुआ एक वो चिड़िया जो कि आपके ऊपर life changing आपका effort डाले. देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि for the longest time I couldn't fathom. फिर यहाँ पर कह रहा है आपका आई रिकॉल्ड सम ऑफ माई ओन लाइफर्स. लाइफर्स क्या है? नंबर वन इज द लिटिल कॉम्बसमिथ बाबेट. यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया है. तो लाइफर क्या है? आपका कुछ ऐसा जो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट डालता है. ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर टू दिया है. कह रहा है विच बर्ड इज़ ब्लैक एंड वाइट विद अ ह्यूज येलो ब्लैक. तो अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड दैट ग्रेट पाइड हॉर्नबिल इज द दैट बर्ड. एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर आपका है 46, इसमें पूछ रहा है विच पेयर ऑफ द बर्ड्स डिड द ऑथर सी इन नकुचिया ताल. तो नकुचिया ताल में उसने कौन सा बर्ड को देखा था? दैट इज पैराडाइज फ्लाई कैचर, दैट इज द करेक्ट आंसर. एंड नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच सेंचुरी डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. इनमें से कौन सा सेंचुरी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता? दैट इज केरला सेंचुरी मध्य प्रदेश जो है, करेरा सेंचुरी मध्य प्रदेश जो है दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 48 जो है आपका मैच द वर्ड्स विद दियर मीनिंग वर्ड्स. यहाँ पर आपको मीनिंग के बारे में पूछ रहा है आपसे. फैदम टीम एऑन्स टी और अंडरस्टैंड टैंडम और एजेस. तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर फॉर द क्वेश्चन इज आपका टू. फैदम मतलब होता है अंडरस्टैंड, किसी की गहराई नापना, समझना. और आपका एऑन्स मतलब हो जाता है एजेस, और सी टैंडम मतलब होता है आपका टीम. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. चलिए ना बात है क्वेश्चन नंबर 49 पर. यहाँ से आपका फैसिनेटिंग का सिनोनिम पूछ रहा है. फैसिनेटिंग मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत ही अपीलिंग. तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपीलिंग. फैसिनेटिंग मतलब जैसे कि आई फाउंड दिस हर स्टोरी वेरी फैसिनेटिंग, बहुत ही अपीलिंग, जो मुझे आकर्षित करे. बोरिंग बहुत ही बेकार सा, स्टूपिड पता है, टायरिंग, थकाओ. एंड क्वेश्चन नंबर 50 है आपका मिल्क इज देन एनी अदर फूड. तो डैश अगर देन लगाया हुआ है इसका मतलब यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आएगा. तो एज नरिशिंग कंपेरेटिव नहीं है, नरिशिंग कंपेरेटिव नहीं है, मोस्ट नरिशिंग कंपेरेटिव डिग्री नहीं है. आंसर क्या हो जाएगा? टू. ठीक है, तो वी हैव अटेम्प्टेड द कंप्लीट पेपर ऑफ 9th दिसंबर शिफ्ट 1. तो मैं आप लोगों का यहाँ पर फीडबैक लेना चाहूँगा. हमने कल वीडियो किया था और आज वीडियो, दो वीडियो में किया था. कल के वीडियो में 20 क्वेश्चन और आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. ठीक है, वह एक चीज़ मैं बता दूंगा, मैंने पैराग्राफ के पार्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है. वो इसलिए क्योंकि हम लाइव करेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा. रिकॉर्डेड में पैराग्राफ में आपका ज़्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ डायरेक्ट उसमें आंसर बता दिया आपको. हाँ, बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं. अगर आप लोगों को कुछ लगता है, कोई ओपिनियन, कोई सुझाव, कुछ भी सजेशन वगैरह है, कोई बुराई, क्रिटिसिज्म जो भी आपका है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं. बिल्कुल बताइए, मैं आपको उस वीडियो पे आगे काम करने की कोशिश करूंगा. मेरी कोशिश रहेगी कि अगली बार से एक ही वीडियो में 50 क्वेश्चन हो, लेकिन हाँ, हो सकता है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा. इसलिए मैं आपका सजेशन चाहूंगा कि दो पार्ट्स में सही है या एक पार्ट में सही है, वो बात कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. बाकी की हाँ, सारे को पेपर आपको मिलेंगे, मतलब जैसे कल किसी ने पूछा था कि सारे पेपर मिलेंगे, नहीं जी, सारे पेपर मिलेंगे आपको. मतलब सारे पार्ट जितने भी आपके पेपर हुए हैं, आठ पेपर हैं, आठ के आठों पेपर मिल जाएंगे. उसके बारे में आप चिंता मत करिए. तो सारा पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इसे मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगला वीडियो आपको कल मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।